Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट एक पैनल स्थापित करने की प्रक्रिया में है जो उन क्षेत्रों पर फैसला करेगा जहां 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने एक साक्षात्कार में भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI को बताया कि डॉट को 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग टेलीमेडिसिन, रिमोट सर्जरीज, सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स और वायु एवं जल प्रदूषण की निगरानी के लिए प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल प्राप्त हुए हैं। उनका ये भी कहना था कि कंपनियां 5G टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए साथ आ गई हैं और हम एक कोर ग्रुप स्थापित करने जा रहे हैं जिन्हें हम साथ में बैठकर चर्चा करेंगे कि 5G प्रौद्योगिकी का किस किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि DoT ने 5G टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, सिस्को और NEC से संपर्क किया है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेरिटस अरोग्यस्वामी जे पोलराज की निगरानी में ट्रायल्स भी शुरू की जाएगी। बता दें मेरिटस अरोग्यस्वामी जे पोलराज 5G पैनल के ही एक सदस्य है जिन्होंने हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम रोडमैप का सुझाव दिया था। अरुणा सुंदरराजन का ये भी कहना था कि हमने एरिक्सन, नोकिया, सिस्को, सैमसंग और NEC को पत्र लिखा था और हुआवे ने हमसे मुलाकात की है और उनका कहना है कि 5G डेवलपमेंट में वे भी रुचि रखते हैं। इस पर हमारी प्रतिक्रिया थी कि यदि आप रुचि रखते हैं तो हमें एक प्रस्ताव भेजें, हम देखेंगे कि उनका प्रस्ताव क्या है और हम उनके साथ भी काम करना चाहेंगे। सैमसंग, नोकिया और एरिक्सन 5G टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एक एडवांस स्टेज में है। सुंदर राजन ने यह भी कहा कि भारत की सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं लेकिन BSNL और रिलायंस जियो इस नेक्स्ट जनरेशन की विकास में सबसे एडवांस्ड स्टेज में है। हालांकि सरकार द्वारा भारत के दूरसंचार ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के बाद ही देश में 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी। TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4.9 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित बेस प्राइस पर लगभग 8,644 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की सिफारिश की है। Telecom News की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.